नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की ये छोटी सी रकम सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, उतना ही दिलचस्प ये मामला भी है। एबीपी अनकट के इस वीडियो में बात इसी मसले की। रिपक कंसल नाम के एक वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में ये आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री बड़े और प्रभावशाली वकीलों के मुकदमों को प्राथमिकता देती है, उनके मामलों को जल्द सुनवाई के लिए जजों के सामने लगा दिया जाता है, जबकि साधारण वकीलों के साथ भेदभाव होता है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रजिस्ट्री से कहे कि वो इस तरह का भेदभाव ना करे और सभी के मामलों को एक समान नजर से देखे। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा, इसकी बात करने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि कोर्ट में मुकदमे सुनवाई के लिए लगते कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी नए मुकदमे दाखिल होते हैं, उनकी शुरुआती जांच, उन्हें शुरुआती रूप से देखने का काम रजिस्ट्री करती है। रजिस्ट्री मुख्य रूप से जिस बात को देखती है वो ये देखती है कि याचिका में कोई तकनीकी कमी तो नहीं है, जिस तरह के प्रारूप में याचिका दाखिल की जानी चाहिए उसी प्रारूप में दाखिल की गई है या नहीं, जिस तरह के कागजात लगाए जाने हैं याचिका के साथ वो याचिका में लगाए गए हैं या नहीं। इन सभी बातों को देखने के बाद अगर रजिस्ट्री को कोई कमी लगती है याचिका में, तो वो उसके बारे में याचिका दाखिल करने वाले वकील को जानकारी देती है। वकील को उन कमियों को सुधार कर याचिका को फिर से दाखिल करना होता है। जब ये कमियां दूर हो जाती हैं तो मामले को सुनवाई के लिए जज के सामने लगा दिया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब साधारण वकील याचिका दाखिल करते हैं तो उसमें रजिस्ट्री कई तकनीकी कमियां गिनवा देता है, जिसके चलते मुकदमा जजों के सामने लगने में देर होती है, जबकि बड़े वकीलों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 19 जून को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह की बेंच ने की थी। जजों ने सुनवाई के दौरान इस आरोप पर हैरानी जताई थी और याचिकाकर्ता से पूछा था कि ऐसा आरोप लगाने के पीछे उसके पास क्या आधार है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था कि मैंने एक PIL दाखिल की थी जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड की मांग की गई है, यानी कि पूरे देश में लागू होने वाला एक ही राशन कार्ड लोगों को दिया जाए, इसकी मांग की गई है, लेकिन इस याचिका में रजिस्ट्री ने तकनीकी कमियां गिना दी। इस याचिका के बाद वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की एक याचिका दाखिल हुई, इसे तुरंत सुनवाई के लिए लगा दिया गया क्योंकि इसको एक बड़ी लॉ फर्म ने दाखिल किया था। जजों ने इस पर कहा था कि आपने जो याचिका दाखिल की थी वो जनहित याचिका थी, जिसे सुनवाई के लिए एकदम से लगा लिया जाना जरूरी नहीं था, लेकिन जिस याचिका की आप बात कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति अपने आप को बिना उचित वजह के गिरफ्तार कर लिए जाने का अंदेशा जता रहा था, ऐसी याचिकाओं को तुरंत सुनवाई के लिए लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें देर की गई तो जो अंदेशा याचिकाकर्ता जता रहा है वो सही साबित हो सकती है। आप एक वकील होकर दोनों मामलों की तुलना कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि रजिस्ट्री के लोगों ने देश में फैली महामारी के दौरान दिन रात मेहनत की ताकि वकीलों को असुविधा ना हो। सामान्य दिनों में मुकदमों को सुनवाई के लिए लगाने में जितना समय लगता है, कई मामलों में उससे भी कम समय में मुकदमों को जजों के सामने सुनवाई के लिए रखा गया। ऐसे में रजिस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, आज वही आदेश आया है। उस दिन की गई टिप्पणी के मुताबिक ही ये आदेश है, जिसमें कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है, साथ ही साथ एक सांकेतिक किस्म का दंड भी याचिकाकर्ता को दिया गया है। याचिकाकर्ता के ऊपर कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। जजों ने कहा है कि इस तरह की याचिका बार के एक सदस्य को दाखिल नहीं करनी चाहिए थी जिसमें रजिस्ट्री के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाए। हम इस याचिका से सहमत नहीं हैं, इसी को व्यक्त करने के लिए आपके ऊपर न्यूनतम जुर्माना लगा रहे हैं। हालांकि ये राशि ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन
आप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ABP News आपको रखे आगे।